आज मैं आपको श्रीमद् भागवत पुराण के दशम स्कंद में भगवान श्री कृष्ण और उद्धव जी के बीच हुए उस संवाद के विषय में बताऊंगा, जिसमें उद्धव जी ने भगवान से पूछा है कि बहुत से महात्माओं ने मनुष्य के आत्म कल्याण के लिए अनेकों साधन बतलाए हैं, उनमें सभी श्रेष्ठ हैं या कोई एक सबसे बेहतर। भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव जी के प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा, भिन्न भिन्न जातियों के मनुष्यों का स्वभाव और वासनाएं सत्व रजो और तमो गुण के कारण भिन्न भिन्न हैं। इसलिए वे सभी अपनी अपनी सोच के अनुसार वेद वाणी का अलग अलग अर्थ निकालते हैं। वेदों की वाणी है ही ऐसी अलौकिक कि उसके भिन्न भिन्न अर्थ निकलना स्वाभाविक है। कुछ लोग बिना ज्यादा विचार और अध्ययन किए ही वेदों के विरोधी हो जाते हैं और व्यर्थ के पाखंडों को ही अपना धर्म मान लेते हैं। प्रिय उद्धव, सभी की बुद्धि मेरी माया से मोहित हो रही है, इसीलिए वे अपने अपने कर्म संस्कार और अपनी अपनी रुचि के अनुसार आत्म कल्याण के साधन भी एक नहीं अनेक बताते हैं। कर्म योगी मनुष्य यज्ञ तप दान व्रत संकल्प और रीति रिवाज आदि को ही पुरुषार्थ बताते हैं, परंतु ये सभी कर्म हैं और इन कर्मों के फल समाप्त हो जाने पर इनसे केवल दुख ही मिलता है और इनके फल स्वरूप मिलने वाले लोग भी मनुष्य को केवल जन्म मृत्यु के चक्कर में ही फंसाए रखते हैं। इसलिए इन विभिन्न साधनों के फेर में नहीं पड़ना चाहिए। प्रिय उद्धव, जो सब ओर से बेपरवाह हो गया है, किसी भी कर्म या उसके फल की अभिलाषा नहीं रखता और अपने अंतःकरण को पूर्ण रूप से मुझे समर्पित कर चुका है, ऐसे परमानंद भक्त की आत्मा के रूप में मैं स्वयं प्रकट होने लगता हूँ। इससे वह जिस सुख का अनुभव करता है, वह इस संसार में उलझे मनुष्यों को किसी प्रकार प्राप्त नहीं हो सकता। जो अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त करके शांत और समदर्शी हो गया है और वह किसी भी जीव में कोई भेदभाव नहीं करता, जो मेरे सानिध्य का अनुभव करके ही अपने को पूर्ण संतुष्ट मान लेता है, उसके लिए आकाश का एक एक कोना आनंद से भरा है। जो योगी मुझे छोड़कर ना तो ब्रह्मा का पद चाहता है, ना देवराज इंद्र का, और ना ही उसके मन में सर्वभामक सम्राट बनने की इच्छा होती है, और वह योगी बड़ी बड़ी सिद्धियों और यहाँ तक कि मोक्ष की भी अभिलाषा नहीं रखता। प्यारे उद्धव, उस महात्मा के पीछे तो मैं दिन रात यही सोचकर घूमा करता हूँ कि उसके चरणों की रज उड़कर मेरे पे पड़ जाए और मैं पवित्र हो जाऊं। जिनका चित्त मेरे प्रेम में रंग गया है, जिसकी सारी सांसारिक वासनाएं मिट चुकी हैं और जो अपनी उदारता के कारण समस्त प्राणियों पर दया और प्रेम का भाव रखता है, उस योगी को मेरे जिस परमानंद स्वरूप का अनुभव होता है, उसे और कोई नहीं जान सकता, क्योंकि वह परमानंद तो केवल निरपेक्षता से ही प्राप्त हो सकता है। हे उद्धव, मेरा जो भक्त अभी अपनी इंद्रियों को नहीं जीत पाया है और सांसारिक वासनाएं बार बार उसे बाधा पहुंचाती हैं और अपनी ओर खींचती हैं, वह भी क्षण क्षण में बढ़ने वाली मेरी भक्ति के प्रभाव से उन सांसारिक वासनाओं से पराजित नहीं होता। जैसे धधकती हुई आग लकड़ियों के बड़े ढेर को भी जलाकर खाक कर देती है, वैसे ही मेरी भक्ति धीरे धीरे भक्त के समस्त पाप कर्मों को जला डालती है। हे उद्धव, योग साधना ज्ञान विज्ञान धर्मानुष्ठान जप पाठ और तप त्याग मुझे प्राप्त करने में उतने समर्थ नहीं हैं, जितनी दिनों दिन बढ़ने वाली अनन्य प्रेममयी मेरी भक्ति। मैं संतों का प्रियतम आत्मा हूँ, मैं अनन्य श्रद्धा और अनन्य भक्ति से ही पकड़ में आता हूँ। मुझे प्राप्त करने का यह एक ही उपाय है, मेरी अनन्य भक्ति उन लोगों को भी पवित्र जाति दोष मुक्त कर देती है जो जन्म से ही चांडाल हैं। इसके विपरीत जो मेरी भक्ति से वंचित हैं, उनके मन को सत्य और दया से युक्त, धर्म और तपस्या से युक्त ज्ञान भी पवित्र नहीं कर सकता। जब योगी का सारा शरीर मेरे प्रेम से रोमांचित हो जाता है, उसकी वाणी मेरे प्रेम के वशीभूत होकर अपने आप को भी भूल जाती है, मन पिघलकर मेरी ओर बहता रहता है, उसका एक क्षण के लिए भी रोने का ताता नहीं टूटता, जो कभी कभी खिलखिलाकर हंसने लगता है, कभी सांसारिक उलझनों की लात छोड़कर ऊंचे सुर में गाने लगता है और कभी नाचने लगता है। भैया उद्धव, मेरा वह भक्त न केवल अपने को बल्कि सारे संसार को पवित्र कर देता है, निखर जाता है और अपने असली शुद्ध रूप में स्थिर हो जाता है, और मेरे भक्ति योग के द्वारा आत्मा की कर्म वासनाओं से मुक्त होकर मुझको ही प्राप्त हो जाता है, क्योंकि मैं ही वास्तविक स्वरूप हूँ। प्रिय उद्धव,
मेरी परम पावन लीला कथा को सुनने और कीर्तन करने से जैसे जैसे मन का मैल धुलता जाता है, वैसे वैसे ही उसे वास्तविक तत्व के दर्शन होने लगते हैं। जो मनुष्य निरंतर सांसारिक वासनाओं के विषय में सोचते रहते हैं, उनका मन उन्हीं विषय वासनाओं में उलझा रहता है, और जो मेरा स्मरण करता है उसका मन मुझ में रम जाता है। इसलिए तुम दूसरे साधनों की चिंता छोड़ दो। अरे भाई, मेरे अतिरिक्त और कुछ है ही नहीं। जो कुछ इन आँखों से दिखाई देता है वह सब स्वप्न के समान है। इसलिए तुम मेरे चिंतन से अपना चित्त शुद्ध कर लो और उसे पूरी एकाग्रता से मुझ में ही लगाओ। उद्धव जी ने भगवान से पूछा, हे प्रभु, किसी मनुष्य को आपका ध्यान किस प्रकार से करना चाहिए? भगवान श्री कृष्ण ने कहा, प्रिय उद्धव, सबसे पहले योगी को किसी ऐसे आसन पर बैठना चाहिए जो ना तो बहुत ऊंचा हो ना ही बहुत नीचा, और वह उस आसन पर शरीर को सीधा रखकर आराम से बैठ जाए, हाथों को अपनी गोद में रख ले और दृष्टि अपनी नाक के आगे के भाग पर जमा ले। इसके बाद पूरक, कुंभक, रेचक तथा रेचक, कुंभक और पूरक, इन प्राणायामों के द्वारा नाड़ियों को शुद्ध करे। पूरक का अर्थ है वायु को श्वास के द्वारा फेफड़ों में ले जाना, कुंभक का अर्थ है श्वास को छोड़ने से पहले फेफड़ों में रोक कर रखना, रेचक का अर्थ है श्वास को छोड़ना। योगी को इन तीनों प्राणायामों का अभ्यास धीरे धीरे बढ़ाना चाहिए और इसके साथ साथ इंद्रियों को जीतने का भी प्रयास करना चाहिए। इन तीनों प्राणायामों के साथ योगी अपने हृदय में बहुत सूक्ष्म ओमकार का ध्यान करे और श्वास या प्राण के द्वारा ओम को हृदय से ऊपर की तरफ बुद्धि में ले जाए और ओमकार में घंटनाद के समान स्वर स्थित करे। योगी इस बात का ध्यान रखे कि ओम के स्वर का तांता प्राणायाम के दौरान टूटने ना पाए। इस प्रकार प्रतिदिन 3 समय 10-10 बार ओमकार के सहित प्राणायाम का अभ्यास करे। ऐसा करने से 1 माह के भीतर उसकी प्राणवायु वश में हो जाती है। उसके बाद योगी ऐसा चिंतन करे कि हृदय एक कमल का फूल है, वह शरीर के भीतर इस प्रकार स्थित है कि मानो उसकी डंडी तो ऊपर की ओर है और मुख नीचे की ओर। अब ध्यान करना चाहिए कि कमल का मुख ऊपर की ओर होकर खिल रहा है। उस कमल के फूल में 8 पंखुड़ियां हैं और बीच में बहुत सुंदर कर्णिका रूपी गद्दी है, और ऐसा ध्यान करना चाहिए कि उस गद्दी पर क्रमशः सूर्य, चंद्रमा और अग्नि स्थापित हैं। इसके पश्चात अग्नि के भीतर मेरे इस स्वरूप का स्मरण करना चाहिए। मेरा यह स्वरूप ध्यान के लिए बड़ा ही मंगलमय है। मेरे हर अंग का गठन बड़ा ही सुडौल है। रोम रोम से शांति टपक रही है। मुख कमल प्रसन्नता से अत्यंत प्रफुल्लित है और सुंदर है। घुटनों तक लंबी लंबी मनोहर 4 भुजाएं हैं। बड़ी ही सुंदर गर्दन है। सुंदर गाल मरकत मणि के समान निखर रहे हैं। मुख पर मंद मंद मुस्कान की मनोहर छटा है। दोनों ओर के कान बराबर हैं और उनमें मछली की आकृति के कुंडल झिलमिला रहे हैं। वर्षाकालीन बादलों के समान श्याम शरीर पर पीला वस्त्र धारण किया है। श्री वत्स एवं लक्ष्मी जी का चिन्ह वक्ष स्थल पर क्रमशः दाएं बाएं विराजमान है। हाथों में क्रमशः शंख, चक्र, गदा और कमल का फूल धारण किए हैं। गले में वनमाला लटक रही है। चरणों में नुपुर शोभा दे रहे हैं। गले में कौस्तुभ मणि जगमगा रही है। अपने अपने स्थान पर जगमगाते हुए किरीट, कंगन, कर्धनी और बाजूबंद शोभायमान हो रहे हैं। एक एक अंग अत्यंत सुंदर और हृदय को हर लेने वाला है। सुंदर मुख और प्यार भरी चितवन कृपा प्रसाद की वर्षा कर रही है। इस सुकुमार रूप का ध्यान करना चाहिए और अपने मन को एक एक अंग में लगाना चाहिए। बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि मन के द्वारा इंद्रियों को उसके विषयों से खींच ले और मन को बुद्धि रूप सारथी की सहायता से मुझ में ही लगा ले। फिर चाहे मन मेरे किसी भी अंग में क्यों ना लगे, जब सारे शरीर का ध्यान होने लगे तब अपने चित्त को खींच कर एक स्थान पर स्थिर करे और अन्य अंगों का चिंतन ना करके मंद मंद मुस्कान की छटा से युक्त मेरे मुख का ध्यान करे। जब चित्त मुखार बिंद पर ठहर जाए तब उसे वहाँ से हटाकर आकाश में स्थित करे। तदंतर आकाश का भी चिंतन त्याग कर मेरे स्वरूप में आरूढ़ हो और मेरे सिवा किसी भी वस्तु का चिंतन ना करे। जब इस प्रकार चित्त समाहित हो जाता है तब जैसे एक ज्योति दूसरी ज्योति से मिलकर एक हो जाती है, तब योगी अपने में मुझे और मुझ सर्वात्मा में अपने आप को अनुभव करने लगता है। जो योगी इस प्रकार
तीव्र ध्यान योग के द्वारा मुझ में ही अपने चित्त का संयम करता है। उसके चित्त से वस्तु की अनेकता और तत्व संबंधी ज्ञान और उनकी प्राप्ति के लिए होने वाले कर्मों का भ्रम शीघ्र ही निवृत्त हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जब साधक अपनी इंद्रियों, प्राण और मन को वश में करके अपना चित्त मुझ में लगाने लगता है, तब उसके सामने बहुत सी सिद्धियां प्रकट होती हैं, जो इस प्रकार हैं। अपने को सूक्ष्म बना लेने की क्षमता ही अणिमा सिद्धि है। इस सिद्धि से युक्त व्यक्ति सूक्ष्म होकर एक प्रकार से दूसरे के लिए अदृश्य हो जाता है। इसके द्वारा आकार में वह अणु के रूप में परिवर्तित हो जाता है। अणु एवं परमाणु की शक्ति से संपन्न हो साधक वीर और बलवान हो जाता है। अपने को विशाल बना लेने की क्षमता को महिमा सिद्धि कहा जाता है। इस सिद्धि से संपन्न व्यक्ति प्रकृति को विस्तारित करने की क्षमता रखता है। जिस प्रकार ईश्वर ही अपनी इसी सिद्धि के माध्यम से ब्रह्मांड का विस्तार करते हैं, इसी प्रकार साधक भी इसे पाकर उन्हीं जैसी शक्ति को पा जाता है। गरिमा सिद्धि से मनुष्य अपने शरीर को जितना चाहे उतना भारी बना सकता है। यह सिद्धि साधक का वजन इतना बढ़ा देती है जिससे कोई भी उसे हटाना तो बहुत दूर हिला तक नहीं सकता। स्वयं को हल्का बना लेने की क्षमता ही लघिमा सिद्धि है। इस सिद्धि के प्रभाव से योगी सुदूर अनंत तक फैले हुए ब्रह्मांड के किसी भी पदार्थ को अपने पास बुलाकर उसे सूक्ष्म करके अपने हिसाब से परिवर्तित कर सकता है। प्राप्ति सिद्धि के बल पर मनुष्य जो भी पाना चाहे उसे प्राप्त कर सकता है। साधक जिस भी वस्तु की इच्छा करे, चाहे वह असंभव क्यों ना हो, उसे तत्काल ही प्राप्त हो जाती है। कोई भी रूप धारण कर लेने की क्षमता प्राकाम्य सिद्धि कही जाती है। इस सिद्धि से सिद्ध हो जाने पर मन के विचार योगी के अनुरूप परिवर्तित होने लगते हैं। इस सिद्धि में साधक अत्यंत शक्तिशाली होने का अनुभव करता है। वह चाहे तो आसमान में उड़ सकता है और यदि वह चाहे तो पानी पर भी चल सकता है। हर राज सत्ता को जान लेना और इस पर नियंत्रण करना ही इशिता सिद्धि कही गई है। इस सिद्धि को प्राप्त करके साधक समस्त प्रभुत्व और अधिकार प्राप्त करने में सक्षम हो जाता है। जीवन और मृत्यु पर नियंत्रण पा लेने की क्षमता को ही वशिता सिद्धि कहा गया है। इस सिद्धि के द्वारा जड़ चेतन जीव जंतु पदार्थ प्रकृति सभी को अपने वश में किया जा सकता है। ये आठों सिद्धियां मुझ में स्वभाव से ही रहती हैं और जिन्हें मैं ही देता हूँ और साधक इन्हें अंशतः प्राप्त करता है। इसके अलावा सत्व गुण के विकास से योगी को यह 15 सिद्धियां और प्राप्त होती हैं, जैसे शरीर को भूख प्यास न लगना, बहुत दूर की वस्तु देख लेना, बहुत दूर की बात सुन लेना, मन के साथ शरीर का किसी भी स्थान पर त्वरित पहुंच जाना, जो इच्छा हो वही रूप बना लेना, दूसरों के शरीर में प्रवेश करना, जब इच्छा हो तब शरीर छोड़ देना, अप्सराओं के साथ होने वाली देव क्रीड़ा के दर्शन, संकल्प सिद्धि, सब जगह सबके द्वारा बिना नानुकुर के अपनी बात मनवा लेना, भूत भविष्य और वर्तमान को जान लेना, गर्मी जाड़ा सुख दुख और भेदभाव से रहित होना, दूसरे के मन की बात जान लेना, अग्नि सूर्य जल और विष की शक्ति को वश में कर लेना और किसी से भी पराजित न होना। इस प्रकार जो भी मनुष्य मेरी उपासना करता है और योग साधना के द्वारा मेरा चिंतन करता है, उसे सभी सिद्धियां पूर्णतः प्राप्त हो जाती हैं, जिनका वर्णन मैंने किया है। परंतु श्रेष्ठ पुरुष जिनका एकमात्र उद्देश्य कर्म बंधनों से मुक्त होकर मुझमें लीन होना है, उनके लिए इन सिद्धियों का प्राप्त होना एक विघ्न ही है, क्योंकि इनके कारण व्यर्थ ही समय का दुरुपयोग होता है। मैं ही समस्त प्राणियों के भीतर दृष्टा रूप से और बाहर दृश्य रूप से उपस्थित हूँ। मुझ में बाहर भीतर का कोई भेद नहीं है, क्योंकि मैं निरावरण एक अद्वितीय आत्मा हूँ।